और वो स्टूल नहीं, स्टूल किट मंत्री हैं, आवाज बहुत आती है उधर से। मैंने तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वही तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमने तो ऑफर दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल, आप गोल गोल मत कीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा, योगी और केशव बोरी में ज्यादा बेहतर नेता कौन है? दोनों ही खराब पार्ट तो, ये उनका रणनीति का हिस्सा था जिससे उन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक आपके संपर्क में हैं, इसकी बहुत चर्चा। मेरे संपर्क में कोई बीजेपी का विधायक नहीं। ये नेताओं को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। एक नेता उत्तर प्रदेश में है, पता नहीं आप उनसे इतने मजे को लेते रहते हैं। कभी उनको आप स्टूल मंत्री कह देते हैं, कभी आप उनकी मजाक उड़ा के कह देते हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कभी आप उनके ऊपर। केशव मौर्य आपके कमेंट सुन सुन के थोड़ा तिलबिलाते तो होंगे, लेकिन आपको केशव मौर्य से इतनी क्या दुश्मनी है? आपने उनको चुनाव हरवा दिया, चुनाव हार गए उनके बेचारे, वो डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हमला जो करते हैं वो केशव मौर्य पे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता, वो न्यूज में रहने के लिए वो इस तरह का हमारे खिलाफ बोलते हैं। अब वो स्टूल नहीं, स्टूल किट मंत्री हैं, आवाज बहुत आती है उधर से। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वही तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमने तो ऑफर दिया उनको, हम भी इंतजार करते रहे कितने दिन ऑफर चलाएं, हमने ऑफर ही समाप्त कर दिया। आपके ऑफर में कुछ आए थे लोग अपना माल बेचने के लिए? नहीं, मैंने तो अपील की है, उनके पास कुछ होता तो हम भी सहयोग करते हैं, लेकिन ऑफर ही खत्म करना पड़ा मुझे। आप रणनीति से सरकार बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, हटाना चाहते? मैं नहीं बदलना चाहता हूँ, जनता बदलना चाहती है। अब वो कहते गरीबी मुक्त, आज मैंने डायलॉग सुना गरीबी मुक्त, अरे जिस दिन यूपी बीजेपी मुक्त हो जाएगा उसी दिन खुशहाली के रास्ते पे चल देगा। जी एक बिल्कुल बिल्कुल, आप गोल गोल मत कीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा, योगी और केशव बोरी में ज्यादा बेहतर नेता कौन है? दोनों ही खराब हैं। ज्यादा खराब कौन है? क्या चीज़? ज्यादा खराब कौन है ये मत पूछिए, जो लोग मिलते होंगे वो बता सकते हैं ज्यादा खराब कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक आपके संपर्क में हैं, इसकी बहुत चर्चा? मेरे संपर्क में कोई बीजेपी का विधायक नहीं है, लेकिन सभी विधायक दुखी हैं बीजेपी सरकार से। अखिलेश जी, एक आपकी पार्टी के लिए कहा गया कि यह सिर्फ पिछड़ों की पार्टी है, ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, और बहुत लंबे समय तक किया गया, लेकिन ये आपका हृदय ब्राह्मणों की तरफ क्या झुकने लगा? माता प्रशांत पांडे जी की ताजपोशी, अब ये नई रणनीति है ब्राह्मणों को भी अपनी तरफ जोड़ने की? नहीं नहीं, ब्राह्मण समझ नहीं पाए, पीडीए में वो भी थे। जिस दिन मुझसे पीडीए पे सवाल किया गया था, मैंने कहा पीडीए ये बड़ा नारा है, इसमें सबके साथ सबको जोड़ने का प्रयास है, बीजेपी की सबका साथ सबका विकास, सबका साथ में बहुत सारे लोग नहीं उनके साथ, कभी उनका सम्मान नहीं किया उन्होंने। पीडीए मतलब सबको जोड़ने का एक हमारा गठबंधन का नाम था, ए फॉर अगड़ा था, ए फॉर आदि आबादी था, ए फॉर अल्पसंख्यक था, ए फॉर आदिवासी था, सब तो थे इसके अंदर। देखिए बलिया में कौन जीता? सनातन पांडे जी जीते, उसके बगल में कौन जीता? राजीव राय जीते बगल में, तो कौन कहता है हम किसी के खिलाफ थे? प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में बीरेन सिंह जी जीते, तो पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल नैरेटिव तो आपको देना पड़ेगा ना जनता को। और फिर अगर आज 69,000 बच्चों के लिए जो फैसला हाईकोर्ट से आया है उसका, उसको जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है उसके लिए, इतने साल से उन्हें लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और देखिए कैसा झगड़ा लगाया। अगर आप उनको लेते हैं तो किसी की नौकरी जाती है, और जिनकी नौकरी जाएगी वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप देखिए बीजेपी की रणनीति कितनी अच्छी है कि झगड़ा लगा दो किसी में, बस लोगों को बांट दो। ये उनका रणनीति का हिस्सा था जिससे उन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना।